हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी अपने आप में ये बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। बस हमें कुछ सब्जी चाहिए इसको बनाने के लिए, पाव चाहिए। तो सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है तेल, यहाँ एक बड़ा चम्मच तेल डाला है मैंने। अब जैसे ही तेल गर्म हो गया, मैंने कुछ जीरा डाल दिया है। अब जीरा भी चटकने लग गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सब्जी। सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी आलू। आलू जो होता है, आलू का पोर्शन जो होता है पाव भाजी में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाले हैं 4 से 5 बड़े आलू को कट करके छील के अच्छे धुल के डाल दिया है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गोभी। आप गोभी में से फूल गोभी या पत्ता गोभी, दोनों में से कोई भी गोभी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी टाइप की गाजर मार्केट में अवेलेबल है, ये इस तरीके की गाजर डाल दी है मैंने। और ये 2 टमाटर डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ चुकंदर के टुकड़े डाल दिए। ये चुकंदर डाल रही हूँ मैं सिर्फ कलर के लिए, कि जिससे हमारी पाव भाजी में अच्छा कलर आए। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मटर के दाने। आप इजीली मार्केट में फ्रोजन मटर अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। आप इन्हें 2 से 3 सब्जियों के साथ भी अपनी पाव भाजी तैयार कर सकते हो। और बस इसको 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से भून दूंगी इसके साथ। अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 कप के लगभग। मैं 5 लोगों के लिए भाजी बना रही हूँ, 5 से 6 लोगों के लिए। अब बस इसको चला दीजिए थोड़ा सा। अब हम लेड लगा देंगे अपने प्रेशर कुकर की और उसे 3 सीटियाँ आने तक अच्छे से पका लेंगे। 3 सीटियाँ आने तक इसको पका लेना है। अब इसके लिए जो तड़का है ना, वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला 1 चम्मच, उसमें मैंने मक्खन डाल दिया है थोड़ा सा। इतना मैं ले रही हूँ दो तेल और मक्खन का पोर्शन, जिसमें मेरे मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 छोटी शिमला मिर्च को कट करके, बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। शिमला मिर्च आप पहले ना डाल के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके बाद में डालें, और भी बढ़िया लगेगी। अब इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे घर पे ही मैंने अदरक और लहसुन को छील के उसको अच्छे से कूट लिया, एक पेस्ट बना लिया है। इस तरीके से ही डालें, इससे बड़ा जो फ्लेवर होता है वो बढ़िया सा निकल के आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। कुछ टमाटर हमने 2 टमाटर पहले डाले थे, और 2 छोटे टमाटर मैं यहाँ कट करके डाल रही हूँ। अब इसमें डालूँगी मैं नमक, जिससे हमारा जो मसाला है वो जल्दी से गल जाए, पक जाए। अब इसको चला देंगे। अब जैसे हम बेसिक सभी मसाले भूनते हैं ना सब्जियों के, उसी तरीके से हमें बनाना है। ये धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे मैं बड़ा सा चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का, और ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बहुत ही मेन है। आपको पाव भाजी बनानी है घर पे, तो 2-3 सब्जियाँ, पाव भाजी मसाला और पाव, ये 3 चीज़ें तो आपको अपने पास रखनी ही रखनी है। और इसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल बना रही हूँ पाव भाजी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। आप जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उसमें तीखापन कम होता है, तो आप अपने हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पोटैटो मैशर ले लिया, उससे मैं अपनी पाव भाजी, जो हमारी जो भाजी है उसको मैं मैश कर लूँगी। ये देखिए, इससे क्या ना थोड़ी दरदरी सी बनेगी हमारी जो भाजी है ना, ऐसी जो खड़ी खड़ी दरदरी पाव भाजी होती है वो बड़ी बढ़िया लगती है। आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है। तो हमने मसाले के अंदर डाल दिया है अपनी भाजी को, और इसको मिला दीजिए। ये जो मार्केट में स्ट्रीट फूड बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको एक कलर देने के लिए भाजी के अंदर रेड कलर का यूज़ करते हैं। हम कोई रेड कलर तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रेड कलर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च और आपकी चुकंदर, उससे भी कलर आता है। अब ये थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें 2/3 कप के अराउंड मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी क्वान्टिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मक्खन। मक्खन ज़रूर डालें, इससे एक बहुत ही बढ़िया बटरी सा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी बढ़ता है।
थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी पहले डाली थी मसाले में भूनते टाइम, थोड़ी सी मैं अब डाल रही हूँ। इसको भी चला दे अच्छे से। इसके अंदर डाल देंगे एक बड़ा नींबू का रस, इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको हम देंगे फाइनल टच देंगे। अभी इसको अच्छे से 1 से मिनट के लिए चला लीजिए। बस हमारी भाजी तैयार हो गई है। इसको मैं ऊपर में डालूँगी ताज़ा हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हमारी भाजी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो कितना आसान है पाव भाजी बनाना। अब इसको मैं सर्व करूँगी। जब भी आप पाव भाजी को सर्व करें तो इसको मक्खन डाल के सर्व करें, साथ में थोड़ा सा प्याज और नींबू भी दें, और इस तरीके से आप पाव को अच्छे से सेक लीजिए। तो हमारी भाजी पाव भाजी बनके बिल्कुल तैयार है। भाजी पसंद आए तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए।